हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में बात करेंगे सीजीआई कंपनी के बारे में। तो डिटेल में एक ही चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे कि सीजीआई की ट्रेनिंग्स कैसी हैं, ग्रोथ कैसी है, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो सीजीआई कंपनी कैसी है, हाइक्स कैसी है, तो वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप सीजीआई को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, सबसे पहली चीज़ आती है आपके डोमेन्स। डोमेन्स मतलब जिनमें आप काम करोगे, आपकी जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल्स, इसमें जो पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स हैं वो है आपकी जावा, .NET, टेस्टिंग, SQL। मतलब मेजरली जो ये चार हैं, ये चार आपके पॉपुलर आपके प्रोफाइल्स हैं सीजीआई में। इन चारों प्रोफाइल में हो सकता है आपको कोई एक मिल जाए या इसके अलावा भी आपको कोई मिल सकती है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को ये चार प्रोफाइल्स मिलती हैं। जब आपको एक प्रोफाइल मिल जाती है तो इसमें दो टाइप्स की ट्रेनिंग होती है। पहली को हम कहते हैं प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग, दूसरी होती है पोस्ट ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग, ठीक है। अब प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग में क्या हो सकता है कि हो सकता है आपको कोई यूडेमी कोर्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाए, उससे आप पढ़ लो। किसी किसी डोमेन में होती है, किसी किसी में नहीं होती। पोस्ट ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको फेस टू फेस पढ़ाया जाता है या मीटिंग में पढ़ाया जाता है, जो भी हो। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग होती है, मतलब लाइव ट्रेनिंग्स जो जिसे हम कहते हैं लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग, वो होती है आपकी पोस्ट ऑनबोर्डिंग में। अब आपकी डोमेन पर डिपेंड करती है ट्रेनिंग। मिनिमम ट्रेनिंग आपकी 3 वीक्स की होती है और मैक्सिमम 2 मंथ्स तक की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर डोमेन, ठीक है। तो 3 वीक से लेके आपके 2 मंथ तक की ट्रेनिंग्स जा सकती हैं। अब क्या होता है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करना पड़ता है। ट्रेनिंग में हो सकता है लास्ट में आपसे एक छोटा प्रोजेक्ट करवाया जाए जिसका आपको कोड करके देना होगा, और बीच बीच में आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं ट्रेनिंग में, ये देखने के लिए कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। बेसिकली आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए कि जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो आपके उसके लिए एग्ज़ाम्स भी होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग्स होने के बाद एक चीज़ को हम कहते हैं बेंच। बेंच मतलब क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है, ठीक है। तो आप कुछ टाइम के लिए फ्री बैठ जाते हो, मतलब जब तक कंपनी पर सूटेबल प्रोजेक्ट्स नहीं है आपके लिए, ठीक है, उसको कहते हैं हम बेंच। हो सकता है कि किसी किसी का बेंच पीरियड थोड़ा बड़ा हो जाए, 2 महीने 3 महीने, और हो सकता है कि किसी को इमीडिएटली प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन इससे सैलरी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, आपकी सैलरी आती रहेगी। सो यू कैन एंजॉय योर बेंच पीरियड और आप अपनी लर्निंग्स को बढ़ा सकते हो। जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एक शॉर्ट इंटरनल ट्रेनिंग टाइप की आप कह सकते हो कि होगी, जिसमें आपको चीज़ें समझाई जाएगी, क्योंकि आप पहली बार किसी प्रोडक्शन सिस्टम पर वर्क कर रहे हो। तो एक प्रोडक्शन सिस्टम में कोड कैसे लिखते हैं, टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करी जाती है, ये सब चीज़ें, स्टेटस कॉल क्या होता है, एक्सेस ट्रैकर क्या होता है, ये चीज़ें आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी थोड़ा थोड़ा करके, विद इन 3-4 डेज और 1 वीक आप कह सकते हो आप ये चीज़ें सीख जाओगे। तो जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका चालू होगा प्रोजेक्ट। और सीजीआई में प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ग्रोथ, लर्निंग, ज़्यादातर जनरली मैं कहूँ तो आपके मैनेजर, डोमेन, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, प्रोजेक्ट, इन्हीं पे आपकी डिपेंड करती है। क्योंकि आपके प्रोजेक्ट से ही आपको पता पड़ता है कि आप क्या सीखने वाले हो। स्टार्टिंग में आपको कोई ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द वर्क नहीं दिया जाएगा, स्टार्टिंग में आपको हो सकता है प्रोजेक्ट में शेडो कराया जाए। शेडो का मतलब क्या होता है, 4 घंटे वर्क होगा, 4 घंटे लर्निंग होगी, या आपको बिल्कुल छोटे छोटे आप किसी सीनियर कंसल्टेंट के अंदर वर्क कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में आपका ऐसा कुछ नहीं होता है कि ज़्यादा ही आपको दे दी जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप जैसे जैसे सीखते जाते हो वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके हाइक्स की, जो मेन पॉइंट है, तो हाइक्स, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कंपनीज़ के बारे में, यार इस कंपनी की सही नहीं है, लेकिन इस मामले में कंपनीज़ वेरी गुड, क्योंकि सीजीआई की जो हाइक्स हैं वो डिसेंट है। आपको डिसेंट हाइक्स वगैरह मिल जाएंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हाइक्स के मामले में भी कंपनी अच्छी है। एंड इन द प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी वेल मैनर्ड, काफ़ी सही कंपनी है। दिस कंपनी ऑल्सो कंटेन्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्किंग, गुड एथिक्स। सो ऐसा नहीं है कि कई कंपनी होती है जिसमें मतलब मैनेजर बिल्कुल स्लेव्स की तरह ट्रीट कर रहा है या एक प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहा, अब्यूजिव भी हो जाती हैं कुछ कंपनियाँ, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी आपको प्रोफेशनल चीज़ देखने को मिलेगी इस कंपनी के अंडर, ठीक है। तो उस मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने आपको ग्रोथ का बताया कि वो आपकी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लूँगा हाइक्स की, मैंने बात कर ली, तो हाइक्स इस कंपनी की काफ़ी डिसेंट है। आप 20% तक की हाइक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20-30 तक भी चली जाती है बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस, ठीक है।
ठीक है, अब इसके बारे में इसके बाद में बात करूँगा वर्क लाइफ बैलेंस की। तो इसका वर्क लाइफ बैलेंस लगभग एक टिपिकल आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी जैसा ही है। तो जैसा आईटी कंपनीज में होता है वैसा ही इसका वर्क लाइफ बैलेंस है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस ओके, ज़्यादा इतना वर्क प्रेशर भी नहीं है, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल्सो ओके। कंपनी में सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, कंपनी फायर बड़ी ही मुश्किल में करती है, रेयर केस कभी होता है जब वो किसी को फायर किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फायर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात हो गई। उसके बाद मैं दो नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पर पुट करना चाहूँगा। तो जो पहला नेगेटिव पॉइंट है, पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि CGI में जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव है। मतलब आपको एक टाइम पे ऐसा लगने लगेगा कि आप कहीं जाके स्टक हो गए हो, रेपिटेटिव वर्क आपको लगेगा कि वर्क जो है हमारा रेपिटेटिव है। तो ये इसका एक जो पॉइंट है वो आपको नेगेटिव लग सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि आप इंटरचेंज डोमेन नहीं कर सकते। अगर एक बार आप किसी डोमेन में चले गए, सपोज़ आप टेस्टिंग में चले गए, आपका टेस्टिंग का काम है लेकिन आपको टेस्टिंग पसंद है ही नहीं, तो देख लो फिर आपको वहीं घिसटना पड़ेगा। तो ये दो बस पॉइंट्स थे जिनको मैं पुट करना चाहता हूँ। ओवरऑल कंपनी इज़ रियली ग्रेट, आप एज अ फ्रेशर हो तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं कंपनीज़ के रिव्यू लाता रहता हूँ और CGI के बारे में और भी वीडियोस लेके आऊँगा, इसके पर्क्स, बेनिफिट, सैलरी को लेके सारी अलग वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी जो कंपनीज़ के रिव्यूज़ हैं जिनसे आपको और कंपनीज़ के बारे में भी आइडिया लग जाएगा वो पिंड कमेंट में आ रहे होंगे। तो पिंड कमेंट में प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेना, एक्सेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।